नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों आज हम एक कायस्थ जाति के बारे में बात करेंगे और कायस्थ भाइयों का सवाल आता रहता है कि वो क्षत्रिय हैं, वर्ण हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, वो वर्ण व्यवस्था में कहाँ फिट होते हैं। ये सवाल आपके भी मन में आता होगा और मैंने भी कई बार इस सवाल को अपने दिमाग में मेरे दिमाग में गूंजा, तो हमारी टीम ने इस पर काम किया और हमने पता किया कि आखिर कायस्थ ये स्टार्टिंग कब हुई। अगर आप देखें तो आपको ब्राह्मण वर्ण में कायस्था एक टाइप मिलेगा, तो कुछ लोगों का सवाल है कि तो फिर ये ब्राह्मण हो गए, लेकिन आपको इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि कहाँ से श्रीवास्तवा का राइजअप हो गया। इनकी जो वंशावली, अगर आप पिछली वंशावली देखेंगे तो इसमें बहुत सारे राजा भी रहे हैं, तो ये क्षत्रिय वर्ण के भी होते हैं, इस तरह से तो ये क्षत्रिय वर्ण के हो गए, लेकिन वो क्या ट्रेजडी थी जहाँ से कायस्था एक नई पॉपुलेशन, एक नई स्ट्रीम हमारे सनातन धर्म में आ गई, ये एक क्वेश्चन है, तो इसको समझना चाहिए। एक्चुअली सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो पूरे भारत में सम्राट अशोक के आज्ञा अनुसार या फिर राजा जिस धर्म को अपनाएगा उसी पे सारी प्रजा अड़ी रहती है, तो सम्राट अशोक के साथ साथ बौद्ध धर्म का भारत में बहुत सारा प्रचार होना शुरू हो गया और उस समय जो पड़ोसी राज्य थे वो यहाँ पे हिंदुस्तान की ज़मीन पर, आप जैसे जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सब उस समय बहुत रिच और अमीर था, तो ऐसे में सम्राट अशोक के टाइम पे पड़ोसी राज्य इस पर हमला करने की कोशिश करते रहते थे। सम्राट अशोक के डिसेंडर्स जो उनकी पीढ़ियां आईं वो धीरे धीरे उनका जो क्षमता थी जिसको आप समझते हैं पकड़, धीरे धीरे सत्ता से उनकी पकड़ धीमी होती चली गई। ऐसे में पुष्यांग सुंग मित्र का उदय हो गया और उन्होंने सनातन धर्म यानी कि गीता के पाठ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, मतलब शस्त्र से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, और उन्होंने सठे साठ्यम समाचरेत, पुष्यांग सुंग मित्र ने इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया और ये बताया कि विपत्ति में यदि कोई शत्रु है तो उसका वध कर देना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म के आने के साथ साथ ही बहुत सारे शत्रु हमारे पैदा हो गए जो हमारी तरफ जो है लालच की तरफ देख रहे थे और देश पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ धर्मांतरण कराने की कुछ साजिशें चल रही थी, वो बहुत सारी कंडीशन थी। ऐसे में उदय हुआ शंकराचार्य का। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ तो जो मित्र इसको देख रहे थे वीडियो को समझेंगे। ऐसे में जब शंकराचार्य का उदय हुआ तो उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर सारे हिंदुओं को एक परंपरा और एक लाइन में आने की बात करी, अद्वैत की बात करी, उन्होंने एक ईश्वर की पूजा करने की बात करी। उन्होंने कहा जो भी आपका मत है, आप गणेश की पूजा करते हैं, आप शिव की पूजा करते हैं, आप वैष्णो की पूजा करते हैं, आप देवी माता की पूजा करते हैं, आप किसी की भी पूजा करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो सिस्टम है, जो आपकी संस्कृति है वो भारतीय है, तो आप एक सूत्र में बंधिए, और वहां से हिंदुत्व का राज्य हुआ। तो दोस्तों एक्चुअली अब बौद्ध काल में अशोक सम्राट की मैं बात कर रहा था, उस समय लोग बुद्धिस्ट की तरफ बहुत ज्यादा, मतलब ये ध्यान और ब्रह्मचर्य और जंगल जाना यही सब बिल्कुल सब लोगों ने शुरू कर दिया था, तो देश की बहुत दुर्गति दुर्दशा होती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि आप बौद्ध हो जाएं तो आप सिर्फ ध्यान लगाकर बैठे रहें, सबको संसार में सब चलता रहेगा, आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य भी ऐसे ही है, वो चाहे किसी भी धर्म का, सनातन धर्म के भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आज के युग में किसी काम के नहीं हैं, आप सिर्फ उनको एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जब सारे लोग ऐसे ही जंगल उंगल ये सब, कोई ब्रह्मचर्य में घुसा हुआ है, कोई कहीं, मतलब ऐसे ही पतन हो रहा था समाज का, तो उस समय पे आदि शंकराचार्य ने सबको घर वापसी, मतलब चलिए आप सब लोग अपने अपने काम पे लगे अपने वी बच्चों के साथ, मतलब बौद्धिस्टों के जो विचार, एक उस समय एक छद्म नीच चला दी गई कि भारतीयों को भारतीय जमीन से अलग करना है तो इनको कुंठित कर दीजिए, मतलब कुंठित इन द सेंस इनको धार्मिक अंधभक्त बनाइए, धार्मिक अंधभक्त बौद्ध बनाइए और इनसे कह दीजिए आपको क्या लेना देना है इस संसार मोह माया से, मतलब इस तरह से लोगों को अंदर मुक्ति की खोज में, और वो मतलब सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब देश भी ले लो तुम मेरा, ऐसे की स्थिति पैदा करने की सिचुएशन यहाँ पे भारत में हो रही थी। तब समाज के लोगों को ढूंढ कर शंकराचार्य ने गृहस्थ की तरफ मूव कराया और उनको एक पद्धति से जोड़ दिया और कहा कि आप इस पद्धति से पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कायस्थ भाई जो अभी तक इस वीडियो पे जुड़े हुए थे और वो जानना चाह रहे हैं कि आकर उनका हिस्ट्री कहाँ है, लेकिन ये आपका प्री, जब आपका उदय हुआ उससे पहले सिचुएशन थी, इंडियन कंडीशन जो थी वो, उस पर मैं आपको बता रहा था। उसके बाद जब घर वापसी होने लगी तो फिर आप देखिए कश्मीरी पंडितों में दो तरह के आपको मिल जाएंगे, एक पुरोहित गिरी जो पूरा जीवन पुरोहित ही रहते हैं, और दूसरा जो कायस्थ, जो लोग शिक्षण और लेखन का काम करते थे। तो वहाँ पे कश्मीरी ब्राह्मण ऐसे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब घर वापसी होना शुरू हुई तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने जाके राजघराने या कहीं पर लेखन का काम शुरू कर दिया, तो जो शिक्षक थे वो लौट कर आए, ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे इस कायस्थ वर्ग में, ज़्यादातर लोग ब्राह्मण से कायस्थ की तरफ मूव गए, तो क्योंकि कायस्थ एक ब्राह्मण कास्ट ही है, अगर आप देखेंगे ब्राह्मण की वंशावली को तो उसमें कायस्था एक टाइप, तो
तो ए टाइप ऑफ ब्राह्मिन्स आर कायस्था, दे रोट देयर सरनेम और टाइटल लाइक श्रीवास्तव एंड ऑल। तो इस प्रकार जो है, जब वो लिखना शुरू कर दिया, लिखना पढ़ना हुआ, तो उनको लाला कहा जाने लगा, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार में लाला कहा जाने लगा, और बाकी अन्य प्रदेशों में विभिन्न नामों से उनको मुंशी जी, बहुत सारे नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। अब सिचुएशन ये हो गई कि उस समय कुछ ब्राह्मण भी, कुछ क्षत्रिय भी जाके उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया, मतलब जो पढ़ने पढ़ाने काम करते थे वो लोग जाके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन लोगों को श्रीवास्तव उनका एक वर्ण ही बन गया, और फिर उनकी वंशावलियाँ आगे बढ़ती चली गई, वो लोग श्रीवास्तव कह गए। ये सटीक विश्लेषण है और सही चीज़ है कि जब घर वापसी हुई, बौद्धों से सनातन की तरफ हम जुड़े, तो उस समय जो लोग जॉब्स में, मतलब राजघराने में जाके काम करना शुरू कर दिए, उन लोगों को लाला कहा जाता। तो श्रीवास्तव कायस्थ समाज, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये सब उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज का टर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसे आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 4 सालों से बहुत कुछ खो के इस चैनल पर काम किया जा रहा है, बस इतना जानिए आप, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत कुछ खोने के बाद ये चैनल चलाया जा रहा है, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सब कुछ, फिर भी अपने सभी दोस्तों को मैं आज राम राम करता हूँ, नमस्कार।